तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिसफंक्शनल फैमिली क्या होती है और क्या आपकी फैमिली डिसफंक्शनल है। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ को, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिसफंक्शनल फैमिली ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली कन्फ्लिक्ट होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में, वहाँ पे निग्लेक्ट होता है, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर की नीड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ पे मिसबिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है, कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, सब पर्सन अपनी मर्जी से ही बिहेव करते हैं। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है, एंशियस फीलिंग्स होती है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, इमोशनली जो ये फैमिली के मेम्बर्स हैं हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड का निग्लेक्ट होता है। अगर उस फैमिली में कोई चिल्ड्रन है तो उनकी नीड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, इमोशनल नीड्स की तरफ, इवन फाइनेंशियल नीड्स की तरफ, और उनके जो लव अफेक्शन की, केयरिंग की जो भी नीड्स है, एप्रिसिएशन की नीड्स है, वो फुलफिल नहीं होती है। चाइल्ड अब्यूज़ ऐसी फैमिली में हुआ हो सकता है, या हो सकता है विद इन द फैमिली, या कोई एक्सटर्नल मेंबर के थ्रू हुआ हो सकता है, हो सकता है कि बुलिंग भी उस फैमिली में होती हो, और अगर बुलिंग एक्सटर्नल सोर्स से हुई है तो उस इशू को एड्रेस नहीं किया गया हो। और पुअर कोपिंग स्किल्स, अगर इन लोगों के अंदर कोई टेंशन होती है, कोई वरी आती है, कोई स्ट्रेस आता है, तो इन्हें पता नहीं होता कि इस स्ट्रेस से कैसे छुटकारा पाया जाए, और ये सारा स्ट्रेस दूसरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर ही चला जाता है। फिर आता है कि जो रिलेशनशिप होता है इन यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के बीच में, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी नीड होती है वो सप्रेस हो जाती है, दबाई जाती है, उन्हें चीज़ें एक्सप्लोर करने नहीं दी जाती, उन्हें ग्रो करने नहीं दिया जाता, उन्हें बार बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अगर वो कुछ भी गलती करे तो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर वो कुछ अच्छा भी करे तो भी उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्हें अब्यूज़ करते हैं इमोशनली, और लो सेल्फ एस्टीम होती है यहाँ के फैमिली मेंबर्स की। हर एक पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, और वो अपना कॉन्फिडेंस हाई फील करने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए दूसरे पर्सन को ही बलि का बकरा बनाते हैं। फिर पुअर सेल्फ इमेज होती है ऐसे फैमिली मेंबर्स के अंदर, एक दूसरे का कोई सपोर्ट नहीं होता है, अगर एक फैमिली मेंबर को कोई नीड है तो दूसरा फैमिली मेंबर उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा, और इमोशनली एक्सप्रेस करना इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं माना जाता है फैमिली में। आप अपने मन की बात नहीं कर सकते हो, आपके दिल में जो चीज़ें आप ओपनली शेयर नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि आपके फैमिली ही आपको या पेरेंट्स ही आपको जज करेंगे, या वो आपको कैसे हेल्प करेंगे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा रिजर्वड हो जाते हो, या मे बी इंट्रोवर्ट हो जाते हो, और फॉरगिवनेस की कोई वैल्यू नहीं रहती, ना तो बहुत जल्दी माफ़ किया जाता है, ना माफ़ी के लिए कोई यहाँ पे अप्रोच करता है किसी को, इसलिए फॉरगिवनेस का कोई रोल नहीं होता इस फैमिली के अंदर। हमेशा टेंशन होता है, केओस होता है बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट की कमी होती है, फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं होता, बिलीफ ही नहीं होता, और वो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट भी सही ढंग से नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, और एम्पैथी नहीं होती है। अगर किसी फैमिली मेंबर को कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो दूसरा फैमिली मेंबर उसकी नीड्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो क्या रीजंस होते हैं कि एक फैमिली के डिसफंक्शनल होने के, अगर एक फैमिली के अंदर कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई पर्सन को एडिक्शन की प्रॉब्लम है, या फादर था वो एडिक्टिव नेचर का था, या मदर को कोई एडिक्शंस थे, या चिल्ड्रन को कोई एडिक्शन है, या ग्रैंड पेरेंट्स को कोई एडिक्शन था, या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को कोई एडिक्शन थे, तो ऐसी फैमिली डिसफंक्शनल हो सकती है। वॉयलेंट बिहेवियर, अगर कोई एक पर्सन इतना एग्रेसिव था कि वो दूसरे पर्सन को अब्यूज करता था, फिजिकली असॉल्ट करता था, अब्यूज करता था, मारता था, पीटता था, और ये सारी चीजें बच्चों ने देखी है, और ऐसा बिहेवियर बहुत ज्यादा नॉर्मल है ऐसे घर में जहां पे एंगर को जाहिर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप किसी को वर्बली अब्यूज करो या फिजिकली असॉल्ट करो, और ऐसा ही लोग देखते आए हैं, और ऐसा ही फैमिली मेंबर्स देखते आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, कि अगर किसी की जॉब चली गई, फाइनेंशियल इनकम का सोर्स बिल्कुल बंद हो गया, या कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, और उसकी वजह से सारी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो ऊपर नीचे हो गई फैमिली में, तो भी डिसफंक्शनल फैमिली क्रिएट हो सकती है। अगर कहाँ पे रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस हो बहुत ज़्यादा, कि अगर कोई फैमिली के अंदर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है रिलीजन को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके, बिना ये बताए कि ये क्यों करना है और ये क्यों नहीं करना, बिना साइंटिफिक रीज़न दिए, बिना उसका एक्चुअल मीनिंग बताए, और सिर्फ एक एक्सपेक्ट करना कि आपके बच्चे ऐसे ही बिहेव करेंगे क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है और आपको ऐसा बोला गया है, तो इसकी वजह से भी जो बच्चों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वो ऐसा क्यों करे और ऐसा क्यों करना चाहिए, इसकी वजह से भी डिसफंक्शनल फैमिली क्रिएट हो सकती है। और अथॉरिटी, एक पर्सन होता है वो सारी अथॉरिटी एंजॉय करता है, और उसके ही प्रेशर के अंदर, डोमिनेंस के अंदर ही पूरी फैमिली मेंबर हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो जो बोलता है वही फॉलो करते हैं, वो जो नहीं बोलता वो नहीं करते, इसकी वजह से भी ऐसा फैमिली का बैकग्राउंड क्रिएट हो सकता है। अब क्या क्या साइंस हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप जो फैमिली में रेज हुए थे वो डिसफंक्शनल थी या नहीं,
अगर आपके अंदर आ गया है फियर ऑफ अबंडनमेंट, आपको लगता है कि आपकी फैमिली मेंबर में से कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, लोग आपको छोड़ के चला जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे, आपके रिलेशनशिप में लोग आपको छोड़ जाएंगे, आपकी जॉब में आपका एम्प्लॉयर आपको छोड़ देगा, कोई भी पर्सन जो आपको मिलता है लाइफ में, अगर आपको लगता है कि वो मेरे साथ कंटिन्यूस नहीं रहेगा और मैं इतना अच्छा हूँ नहीं कि वो मेरे साथ रहे, तो फियर ऑफ अबंडनमेंट आपके अंदर आ चुका है। फियर ऑफ डिसअप्रूविंग पीपल, अगर लोग आपको डिसअप्रूव करते हैं, आपको वैलिडेशन नहीं देते, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको कोई फीडबैक देते हैं नेगेटिव फीडबैक, आपको वो जज करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर बन गए हो, आपको लगता है कि रिलेशनशिप को होल्ड करने के लिए मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा ओवरली ओवर परफॉर्म कर रहे हो किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो आप पीपल प्लीजर बन गए हो। आपको कंटिन्यूसली गिल्ट फीलिंग आती है कि मैंने ये किया इसलिए ऐसा हुआ होगा, उसने मुझे ऐसा बोला क्योंकि मैंने ऐसे किया, उसने मुझे छोड़ा क्योंकि मैं राइट पर्सन नहीं था, मैं राइट पार्टनर नहीं था, मैं लविंग पार्टनर नहीं था, मैं केयरिंग नहीं था, मैंने टाइम नहीं दिया, तो सेल्फ ब्लेम कंटिन्यूस चलता रहता है क्योंकि आप इतना ज़्यादा गिल्ट में हो, आपको लगता है हर एक प्रॉब्लम, हर एक पर्सन जो आपके आसपास डिसीजन ले रहा है कोई भी आपको लेकर, वो आपकी वजह से ही ले रहा है। आप अनरियलिस्टिकली परफेक्शनिज्म की तरफ चले जाते हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक हो जाती है अपने आप को लेके, आप हमेशा ही सुपरमैन की तरह परफॉर्म करना चाहते हो, ओवर परफॉर्म करना चाहते हो, मल्टीटास्क करना चाहते हो, एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए काम करना चाहते हो, और इसके लिए बहुत बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है जो फुलफिल अगर नहीं होती, और फिर और ज़्यादा गिल्ट आता है, और ज़्यादा सेल्फ ब्लेम आता है, और कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम नीचे जाती है। फिर आपके अंदर कंटिन्यूसली फियर ऑफ अनसर्टेंटी होती है कि कल क्या होगा, कल का दिन कैसे जाएगा, क्या आपका करियर अच्छा जाएगा, क्या आपके रिलेशनशिप अच्छे जाएंगे, जो आज पर्सन आपके साथ था कल आपको वो छोड़ देगा क्या, या आपकी जॉब आज है वो कल चली जाएगी क्या, तो फियर ऑफ अनसर्टेंटी, वरी और फियर में आप एंजाइटी में रहते हो। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पुअर होते हैं, अगर आपको किसी को कुछ कम्युनिकेट करना है, आपको सही ढंग नहीं समझ आ रहा होता आप कैसे कम्युनिकेट करें, और अंदर से बहुत ज़्यादा एंगर अपनी तरफ और रिजेंटमेंट बना रहता है। अब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर कोई पर्सन डिसफंक्शनल फैमिली में रेज हुआ, तो उसको वो साइकोलॉजिकली या मेंटली कैसे इफेक्ट करता है। पहला है कि इनसिक्योर एडल्ट में वो पर्सन तब्दील हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस है, स्लो एस्टीम होती है, उसका सेल्फ बिलीव, अपनी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ के अंदर बिलीव बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, कंटिन्यूसली एंगर और मूड स्विंग्स होते रहते हैं, और एज के पहले बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, उनकी इनोसेंस वो खो सकते हैं, कोई कोई लोग प्रेफर करते हैं कि वो आइसोलेशन में रहे, लोगों से वो दूर ही रहे, अपनी लाइफ में वो लोगों को इंक्लूड ना करें, अगर लोग ही उनकी लाइफ में नहीं आएंगे, वो उनको हर्ट नहीं करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, तो डर भी नहीं रहेगा, इसलिए वो इतना ज़्यादा कम्फर्ट जोन में हो जाते हैं कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस, उनकी वर्क परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा सफ़र होने लगती है, चांसेस होते हैं कि वो सेल्फ हार्म में भी इंडल्ज कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं एडिक्शंस के, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स के, इवन सेक्सुअल एडिक्शंस के बड़े होने के बाद। तो कैसे ओवरकम करें अपनी लाइफ को, अगर आप भी हिस्सा थे ऐसी एक डिसफंक्शनल फैमिली का, और आपको लगता है कि आज आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो मैनिफेस्ट हो रहा है, और जो भी चीज़ें हो रही है वो इसलिए है क्योंकि आपकी फैमिली डिसफंक्शनल थी, और आपके इसलिए इतने सारे फियर्स डेवलप हो गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज अ एडल्ट कि आपकी फैमिली अगर डिसफंक्शनल है और आपकी वजह से आपके बच्चों को ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें कुछ रोल तो आपका था, कुछ रोल सर्कमस्टेंसेस का था, पर इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हार्ट टू हार्ट टॉक करनी बहुत ज़रूरी है फैमिली मेंबर्स के बीच में, जहाँ पे आप एक दूसरे की फीलिंग्स को बैठ के डिस्कस करें, हो सकता है कि प्रोफेशनल के सर्वेलेंस के अंदर करें, पर वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो कि हर एक फैमिली मेंबर को पर्टिकुलरली क्या फील होता है, और एक पर्सन के वर्ड्स, एक पर्सन के एक्शंस कैसे दूसरे पर्सन को अफेक्ट करते हैं, और फॉरगिवनेस एक्सचेंज की जा सकती है कि जो भी हुआ वो हुआ, जो सर्कमस्टेंसेस थे उसके हिसाब से पेरेंटिंग अच्छी से नहीं हुई, या उस टाइम पे लव अफेक्शन नहीं दिया गया, पर अब तो हमको साथ में ही रहना है, तो हमको इस फैमिली को करेक्ट करना ज़रूरी है, इसलिए बैठ के आप इस की तरफ करेक्टिव मेजर उठा सकते हो, कम्युनिकेशन का एक तरीका आप नया डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम जो ट्रस्ट के बेस पे है वो भी आप डेवलप करना शुरुआत कर सकते हैं, प्रोफेशनल की हेल्प अगर आप लेते हो तो ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा ईजियर होता है, जहाँ पर क्योंकि अगर आप अपने आप में ही इस इशू को रिजॉल्व करने जाओगे तो हो सकता है वापस से क्योस हो जाए, वापस से डिसएग्रीमेंट हो जाए, वापस से एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसलिए प्रोफेशनल की हेल्प से आप फैमिली के जो डायनेमिक्स को फिर से करेक्ट कर सकते हो। और फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस तो हमने बोला है कि वो ज़रूरी है ही, और ये जानिए कि हर पर्सन विक्टिम है
अपने सर्कमस्टेंसेस का और जो उसने चॉइसेस मेक की है, ठीक है, चॉइसेस होती है एक्शन करने की या इन एक्शन करने की, तो कुछ है रेसिड्यू चॉइसेस का और कुछ है रेसिड्यू सर्कमस्टेंसेस का, तो इसलिए बहुत कुछ उस टाइम पे शायद नहीं चेंज किया जा सकता था या थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता था, पर अगर वो नहीं हुआ तो हम सिर्फ आगे मूव ऑन हो सकते हैं, उस चीज़ को पकड़ के भी नहीं चल सकते हैं, उस चीज़ के लिए फॉरगिवनेस एक्सचेंज करके आपस में जो है वापस से बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे की तरफ एम्पैथी लेके आना जरूरी है, क्योंकि अगर हर एक पर्सन विक्टिम है सर्कमस्टेंसेस का तो हर एक बंदे को जरूरत है एम्पैथी की, सेंसिटिव होने की उस पर्सन की फीलिंग्स की तरफ, और हर एक फैमिली मेंबर के ऊपर इंडिविजुअली काम करना चाहिए। अगर एक पर्सन आता है फैमिली का जो डिसफंक्शनल फैमिली है, सिर्फ उसी पर काम करके ही पूरी फैमिली करेक्ट नहीं होती या उसके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, हर एक पर्सन के ऊपर इंडिविजुअली काम करना जरूरी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि ये सारा जो डिसफंक्शन क्रिएट हुआ था क्योंकि लव नहीं था, एम्पैथी नहीं थी, एप्रिसिएशन नहीं था, अफेक्शन नहीं था, तो अगर ये सारी चीज़ें मिसिंग थी जिसकी वजह से ये डिसफंक्शन क्रिएट हुआ, तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ही ये वापस से रेक्टिफाई हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप डिसफंक्शनल फैमिली का हिस्सा थे तो ज़रूर एक प्रोफेशनल को विजिट करिए और अपने फैमिली डायनेमिक्स को फिर से करेक्ट करिए। दोस्तों, ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।